डीमार्ट के साथ आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, यानी डीमार्ट को आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर कैसे दे सकते हैं, इस वीडियो में हम वो सब कवर करने वाले हैं। पिछला वीडियो हमने बनाया था कि कैसे एज ए सप्लायर, कैसे एज ए मैन्युफैक्चरर आप डीमार्ट के साथ एज ए पार्टनर जुड़ सकते हैं, कैसे डीमार्ट को अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो के अंत में मैं वो लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करने जा रहे हैं कि डीमार्ट के साथ एज ए पार्टनर आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं और अच्छा खासा रेंट आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा चैनल है बिजनेस गुरु जी, इस पे हम फ्रेंचाइजी या इस तरह की जो बिजनेस मॉडल हैं उनके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई टेक्निकल वीडियो देखने हैं, यानी आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ई बुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से कैसे ऐड को रन कर सकते हैं, ये सारे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है मनीष कुमार के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ हम जो टेक्निकल वीडियो हैं वो डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि कैसे आप डीमार्ट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम क्यों चलते हैं, लैपटॉप क्यों चलते हैं, और मैं आपको इनकी वेबसाइट के द्वारा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इनकी वेबसाइट देख रहे हैं dmartindia.com, आप इस पे आएंगे और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है पार्टनर विद अस, आप इसको क्लिक करेंगे। वहां नीचे आएंगे तो दो ऑप्शन आ रहे होंगे, सप्लायर्स और दूसरा लैंडलॉर्ड्स, तो आप लैंडलॉर्ड्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट जहां आप हैं, जहां आपकी प्रॉपर्टी है, सिटी, लोकेशन और मेजर लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब आपके आसपास क्या फेमस है वो लैंडमार्क आप डाल देंगे, एड्रेस और पिन कोड, ये रही आपकी पर्सनल डिटेल, ये आप डाल देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लैंड डिटेल डालनी है, किस तरह की लैंड है वो आप बताएंगे, अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल डाल दीजिए, लेआउट एड्रेस डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, प्लॉट का साइज क्या है वो आप डालेंगे, फ्रंट का साइज क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और कार्पेट एरिया क्या है वो आपको यहां डालना होगा। नीचे आएंगे तो फ्लोर प्लेट कार्पेट डालना है, कमर्शियल पर स्क्वायर फीट जो है वो डालना है आपको यहां। उसके बाद यहां आएंगे रोड विड्थ इन फ्रंट, यानी कितनी चौड़ी जो फ्रंट है उस पर सड़क है, साइड में जो सड़क है उसकी जो विड्थ है वो क्या है, सर्विस रोड है कि नहीं, यस और नो वो डाल देना है। फिर यहाँ आएंगे प्रॉपर्टी टाइप कैसा है वो आपको डालना है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो भी आप वो डाल दीजिए। डे टाइम में स्ट्रीट पर कितना ट्रैफिक रहता है, यानी दिन में वहाँ कितना ट्रैफिक रहता है, आपको नहीं पता तो आप एक दो घंटे बैठिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ कितना ट्रैफिक है। नाइट में स्ट्रीट पर कितना ट्रैफिक है वो सब आपको डालना है। आसपास का जो सराउंड है वो कैसा है वो यहाँ आप डालेंगे। नेम ऑफ द डेवलपर वो आप डाल सकते हैं यहाँ अगर आपको पता है तो। मेजर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ आसपास कौन से हैं वो आप डाल देंगे। आपके आसपास जितनी भी सोसाइटी होंगी उनकी डिटेल आप यहाँ डाल दीजिए। नीचे आएंगे प्रेजेंस इन द इंडस्ट्री, यानी जो प्रॉपर्टी है कितनी पुरानी है वो आप डाल दीजिए। और यहाँ आप अपने फोटो डाल दीजिए प्रॉपर्टी के। और यहाँ जो कोड आ रहे हैं ऊपर वो आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। हो सकता है आपसे कुछ एडिशनल वीडियो मांगे जाएं या एडिशनल फोटो मांगे जाएं, वो आप इन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। लगभग 1 से लेकर 2 वीक तक ये आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि इन्हें रिस्पॉन्स देने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहाँ अभी इनके स्टोर कम है, लेकिन जब भी फ्यूचर में इन्हें स्टोर की जरूरत होगी ये आपको रिस्पॉन्स जोल करेंगे। दोस्तों, ये डिटेल वीडियो था कि कैसे आप डीमार्ट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को अटैच करा सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं उन्हें।
फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।